चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी माननीय श्री संजय अवस्थी जी, इस शहर के विधायक माननीय श्री हरीश नाटा जी, हमारे कसौली के विधायक माननीय श्री विदोम सुल्तानपुरी जी, इस शहर के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम जी और नजीम साहब, जतिन लाल जी डायरेक्टर, सभी सभागार में बैठे मेरे साथीगण, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं हिमाचल के हथकरघा उद्योग से जुड़े सभी लोगों को और जिन्होंने आज सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है, हिमाचल की आर्ट की, हिमाचल के कल्चर की, कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और हमारी धरोहर जिसको हमारे युवा अभी सजाए के रखे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप देख रहे हैं कि 7-8 महीने पहले जनता ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाया और हमारा प्रयास है हम नए दिन व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं और ये व्यवस्था परिणाम का ही परिणाम है कि आज आप यहाँ इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। मैं अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी से बात कर रहा था कि हमने अपना ब्रांड कभी प्रस्तुत ही नहीं किया, इसलिए हमने इसको पिछले दिनों नाम दिया हिमक्राफ्ट। इस कारपोरेशन का भी हम नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कारपोरेशन बदल करने जा रहे हैं ताकि हिमक्राफ्ट हैंडलूम कारपोरेशन का आने वाले समय में एक नाम। और जो हमारे हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं, जो अपनी संस्कृति को बचा कर रखे हुए लोग हैं, उस मामले में मेरी अभी उद्योग मंत्री जी से साथ में बैठकर चर्चा हुई। हम अगली बार राज्य स्तरीय स्टेट हैंडीक्राफ्ट का जो प्राइस है, पुरस्कार है, उसको शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम 3 लोगों को, हर एक कैटेगरी के लोगों को हम उसमें चुनेंगे और उसका प्राइस हम कैश में रखेंगे, जो कि माननीय मंत्री जी अपने बोर्ड से पास करके आगे उसको जाय पड़ा जाएगा। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इन सब चीजों से हटकर। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 50 सालों में पहली बार इतना कहर बरपा है और इतनी तबाही हुई है। इस तबाही के मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा और पाया कि तकरीबन हमें 8,000 से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर को जो नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए। आपदा की इस घड़ी में आप सब लोग उसमें हमें आपका प्रयास, आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़कर राहत कोष में राहत राशि भी डाल रहे हैं, लेकिन ये सब हम सब लोगों को मिलकर इस आपदा से निपटना है। मैं कुल्लू में था और हमारी देवभूमि, अतिथि देवभूमि की संस्कृति वहां से नजर आती है कि -4 डिग्री टेम्परेचर में जब चंद्रताल में 290 के करीब पर्यटक फंस गए और एयरफोर्स वालों से जब हमने अनुरोध किया कि आप इन पर्यटकों को निकालें, उन्होंने एक सॉर्टी ली, उसमें 7 लोगों को लाए। उसके बाद पायलट ने मुझसे कहा कि अगर हम वहां द्वारा जाते हैं तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, ना तो वहां एयरपोर्ट है और 4 से 6 फुट बर्फ पड़ी हुई है। हमने प्रयास किया, हमने सरकार के 2 मंत्रियों को भेजा, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, -4 डिग्री टेम्परेचर में और जहां ऑक्सीजन की कमी हो वहां JCV में बैठकर उन मेहमानों को निकालने का कार्य हमारी सरकार के 2 मंत्रियों ने किया, जिसे एयरफोर्स ने भी अपनी योग्यता जाहिर की कि हम नहीं निकाल सकते हैं। रात के 2 बजे जब उनका सैटेलाइट से मेरे साथ संबंध हुआ, उन्होंने कहा कि हम सुबह सबको निकालेंगे। तो ये सरकार की कार्य प्रणाली को दर्शाता है कि जो हमारे मेहमान है उसमें सरकार के मंत्री, हम खुद सड़कों में उतर कर 70,000 के करीब हमने पर्यटकों को निकाला और 15,000 के करीब गाड़ियों को हमने वहां से बाहर निकाला। आपने देखा होगा
कहीं से ये आवाज नहीं आई कि पानी की बोतल जो 20 रुपए की थी वो 100 रुपए में बिक रही है। कहीं से भी लूट की आवाज नहीं आई। यही हमारी देवभूमि संस्कृति है, यही हिमाचल की संस्कृति है कि अपने मेहमान को वो भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जिस सरकार का खजाना लुटा दिया गया हो और प्रदेश को कर्जे के बीच में डुबो दिया गया हो, उस सरकार को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि 4 साल में हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बने। इसके लिए हम मूलभूत परिवर्तन करने जा रहे हैं। कई परिवर्तन की दिशाओं से हम गुजर रहे हैं। नियमों को बदला जा रहा है, तेजी से काम हो उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब बागवान जो हमारे हैं उनकी सड़कें टूट गई है, ऐसी आपदा 50 वर्ष में हमने भी अपने जीवन काल में नहीं देखी। एक समान समानांतर बारिश हुई है। बागवानों का फल सेब मंडी में पहुंचे, सब्जी मंडी में पहुंचे, उसके लिए भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सभी दिन रात एक कर रहे हैं। हमने रिन्यूअल जो रिलीफ मैनुअल था उसको में भी परिवर्तन कर दिया आम लोगों के लिए। जहां घर के नुकसान के लिए 5,000 रुपया मिलता था, हमने उसको 20 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया। हमारे साधन सीमित है। मैं पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, होम गृह मंत्री से मिलकर आया, उनसे अनुरोध किया कि तकरीबन हमारे हमें इंटरिम रिलीफ फटाफट एक पहली किस्त दीजिए ताकि हम रिस्टोरेशन वर्क को स्टार्ट कर सके। लेकिन हमें आशा है कि केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट देगी, हमें कुछ न कुछ धन केंद्र से मिलेगा। लेकिन मैंने गृह मंत्री जी से ये भी बात की कि हमारा 21-22-23 का 315 करोड़ रुपए आपके पास फंसा हुआ है, एजी के ऑब्जेक्शन थे, वो रिलीज कर दीजिए। हमें आशा है कि वो भी हमें रिलीज करेंगे और हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, हम मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में हम डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं गांव के बच्चों के लिए, और तकरीबन एक एक स्कूल में 50-50 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं ताकि गांव का बच्चा ये महसूस कर सके कि मैं पढ़ा एक पढ़ा उसके अंदर का जो विश्वास है उसको हमने उस शिक्षा प्रणाली में विश्वास जो है उसका उसको बनाए रखने के लिए गांव में हम इस प्रकार के स्कूल खोल रहे हैं। अभी आप देखेंगे IGMC शिमला और सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं, ग्रीन स्टेट के सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं जहां आपके पास कुछ एक दो सालों में आप देखेंगे कि ग्रीन टैक्सी चल रही है, ग्रीन हमारे सर्विस स्टेशन चल रहे हैं, और हम टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी हाई एंड वे साइड एमिनिटीज और होटल बनाने जा रहे हैं। सबका काम चल रहा है, लेकिन धरातल में आने के लिए कुछ समय लगेगा क्योंकि हमारे पास जो प्राकृतिक साधन है यही हमारा सबसे बड़ा स्रोत है। आज से पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ, हमारे जो संसाधन है उसका ड्रेन होता रहा और हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ पाए। हमने शुरू की है और मेरा ये मानना है कि जो पानी हमारे पास है, जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में है, उस अधिकार को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बिजली के क्षेत्र में भी परिवर्तन करने की दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने पांव पर खड़ा हों, और जिससे जब हमारा अरुणाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा तब हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम कर्जे के सहारे प्रदेश चला नहीं सकते, कर्जे को कर्जे से मिटाने के लिए हम उसका अभी जो कर्जा ले रहे हैं हम वो ब्याज चुकाने में ही चला जा रहा है, विकास कार्यों में नहीं लग पा रहा है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है, मंत्रिमंडल का दायित्व बनता है, आप सब जनता का दायित्व बनता है कि जो हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है वो सही मायने में आपके सामने आने वाली है, आप उसमें हमारा सहयोग दीजिए। इसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।